बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नमक हराम, या जो कोई संगठन, कोई आयोजक, कोई सेमिनार, कोई अधिवेशन है उसके जो आयोजक हैं उनके नमक हलाल। ये दोनों बातें, नमक हराम और नमक हलाल की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझे फ़ोन किया, एक मैंने वीडियो बनाया था डॉक्टर घंटा, शायद वो घंटी कहीं उनकी बज गई, वो कहना तो मुझसे बहुत कुछ चाह रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सेमिनार वगैरह में नहीं जाते, लोग आपको बुलाते नहीं हैं क्या अधिवेशन में, या जो सेमिनार हैं जो बड़े बड़े कार्यक्रम रखते हैं जो भारत के एससी एसटी ओबीसी या जो मूल निवासी लोग हैं उनके इतनी बड़ी बड़ी मंचें लगती हैं, आप कहीं दिखाई नहीं देते, आपका नाम नहीं दिखाई देता। दरअसल वो मुझे थोड़ा सा लजाना चाह रहे थे, थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो आपका वीडियो बेशक लोग सुनते हैं हजारों की तादाद में, मगर आपको कोई भी अधिवेशन में सेमिनार में बुलाता नहीं है, आप इस बात को समझो कि आपकी कहीं कोई बाहर वैल्यू नहीं है। तो मैंने जो वो डॉक्टर साहब थे जो बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं किसी को डायरेक्ट हर्ट नहीं करता, मगर इनडायरेक्ट मैं छोड़ता भी नहीं, क्योंकि वीडियो बनाता हूं तो सबको इसका ज्ञान होना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है उसका जवाब क्या है, क्योंकि जवाब नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद जो डॉक्टर घंटा जो वीडियो बनाया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत चला है वो वीडियो, आप उसको एक बार जरूर देखिए। दरअसल मुझे बहुत सारे लोगों ने बुलाया और अब से नहीं 20-25 साल पहले से मुझे बुलाए हुए हैं, कोई भी अधिवेशन भारत में कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जहां मैंने काम ना किया हो, 6 महीने साल भर, चाहे वो धम्म का है, चाहे दल बल सेना संगठन धम्मिक सरकारी कर्मचारियों का या कैसा भी रहा है, अगर वो बहुजनों का रहा है, मेरा सभी में आना जाना रहा है। मगर मेरे साथ दिक्कत यह है कि जब मैं माइक पे पहुंचता हूं तो मैं बाबा साहब का नमक हलाल हो जाता हूं, मैं भगवान बुद्ध का नमक हलाल हो जाता हूं। जब तक मैं कुर्सी पे बैठा रहता हूं तब तक तो ठीक है, अगर आपने मुझे माइक दे दिया तो माइक के बाद में फिर मैं आयोजक का नमक हलाल नहीं रहता, मैं आयोजकों का नमक हराम हो जाता हूं, और बाबा साहब का मैं नमक हराम नहीं रहता, मैं बाबा साहब का, बुद्ध का, ज्योतिबा फुले का, सम्राट अशोक का, इन सबका फिर मैं नमक हलाल हो जाता हूं। तो ये जो मैं नमक हलाल हो जाता हूं, आयोजकों को लगता है कि मैंने आयोजकों के साथ में नमक हरामी की है, इसलिए वो मुझे कोशिश तो कई बार ये भी करते हैं कि बीच में से माइक छीक लें, और माइक छीनने के लिए कई बार उन्होंने पर्चियां भी भेजते हैं, इशारा भी करते हैं, और कई बार मेरे कपड़े पीछे से वो नीचे को खींचते भी हैं, और कई बार वो अपना माथा भी पीटते हैं कि हमने किस आदमी को बुला लिया और ये क्या बोल रहा है। क्योंकि अगर मैं बाबा साहब का नमक हलाल हूं तो मैं बाबा साहब की बात करूंगा, जब मैं बाबा साहब की बात करता हूं, बुद्ध की बात करता हूं, सम्राट अशोक की बात करता हूं, ज्योतिबा फुले की बात करता हूं और उनकी आइडियोलॉजी की बात करता हूं, तो वो सारी आयोजकों के अगेंस्ट में जाती है। और अगर मैं आयोजकों की तारीफ करता हूं, आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, आयोजकों को वाह वाह करता हूं, आयोजकों का मैं गुणगान करता हूं, तो फिर वो सारी बात बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक या भगवान बुद्ध के नमक हरामी में जाती है, उनके विरुद्ध जाती है। तो मेरा जो जमीर है, जो मेरा अंदर कॉन्शियसनेस है, वो ये कहती है कि तुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, अगर तुझे मौका मिला है तो बात वही कह रही है जो बाबा साहब, जो भगवान बुद्ध, जो सम्राट अशोक और जो ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के लिए नमक हलाली है, नमक हरामी है। तो होता क्या है, होता यह है कि जब वो बुलाते हैं तो नाम डालते हैं, तो नाम डालने का उनका मकसद यह है कि वो ये दिखाते हैं कि देखो इतने सारे लोग हमको मान रहे, हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ी है। तो बेसिकली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जो ये बुद्धिजीवी या आधे बुद्धिजीवी या गणमान्य या विद्वान या डिग्री होल्डर या पूंछ वाले या आगे कुछ लगा हुआ है, उन ऐसे नामों को ढूंढते हैं और उनका फोटो नाम छांट के और उनको बुलाते हैं। वो जो लोग हैं, क्योंकि उनको एक कहीं कोई माध्यम मिलता नहीं अपनी विद्वता दिखाने का, अपना कहीं कोई ज्ञान बिखेरने का, तो वो इस बात के फड़फड़ाते रहते हैं कि हमें कहीं कोई बुला ले और हम इस बात को प्रूव कर सकें कि हम विद्वान हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम जानकार हैं, हम ज्ञाता हैं, और हमारा थोड़ा सा जो दम्भ है वो थोड़ा शांत हो जाए। तो जब वो आयोजक जब आयोजन करता है, कोई सेमिनार है या कोई अधिवेशन है या कोई मंच लगाया उसने या कोई उसने कार्यक्रम लगाया, प्रोग्राम लगाया, तो वो आयोजक जो फूल का कुप्पा होकर गधे की तरह बीच में बैठ जाता है और दाएं बाएं अपने विद्वानों को रखता है, राइट और लेफ्ट, हालांकि विद्वानों की कोई औकात नहीं समझता वो, और उसका एक चेला चंटारा सा या उसके जैसा दूसरा जो उसका भरोसे का होता है वो दूसरा माइक पकड़ के संचालन करता है, वो भी ऐंठ के मारे पैंठ को, यानी बड़ा ऐंठा हुआ सा होता है। उनके लिए बेसिकली वो जो विद्वान है वो जस्ट
उनको आगे बढ़ाने का संसाधन है, वो बदल देते हैं बार 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 बार, एक बार एक को बुलाते हैं, एक बार एक को बुलाते हैं, एक बार एक को। तो विद्वानों की, यानी जो आधे विद्वान है, उनकी मजबूरी है कि वो आयोजकों को तारीफ करें। अब वो आयोजकों की तारीफ बड़ी शिद्दत से करते हैं, क्योंकि जो जितनी ज्यादा आयोजकों की तारीफ करेगा, कार्यक्रम की तारीफ करेगा, उसके दोबारा बुलाने की, दोबारा आने की गारंटी उतनी ज्यादा है। तो वो इस बात को नहीं कहते कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी क्या है, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी क्या है, या ज्योतिबा फुले क्या चाहते थे, या सम्राट अशोक ने क्या किया क्या नहीं किया, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो ये देखते हैं कि आयोजक हमसे नाराज हुआ और हमें तालियां कितनी पिटी, बस वो उतना ही भाषण, उतनी ही बात रखते हैं। वो कभी आयोजक को ये नहीं कहते कि अरे आयोजक, तू बाबा साहब की बात करता है, तू सम्राट अशोक की बात करता है, तू भगवान बुद्ध की बात करता है, तू ज्योतिबा फुले की बात करता है, कब कहा इन महापुरुषों ने कि तू अलग अलग संगठन बनाकर खेल, कब कहा इन महापुरुषों ने कि तू जो ये व्यक्तिगत संगठन चला रहा है, इस व्यक्तिगत संगठन को बना, कब इन्होंने ये तुझे सिखाया कि तेरा जो संगठन चलाने का तरीका है, ये संगठन क्रांति कर देगा, कब तुझे ये कहा कि तू लोगों को इकट्ठे करना और तू खुद इकट्ठे मत होना, कब तुझे ये कहा इन महापुरुषों ने कि तू इनका स्वयं संभू ठेकेदार और नेता बन जाना, जबकि तुझे क्या कह के नहीं पता संगठन के बारे में कुछ भी, और तूने इनसे जो भगवान बुद्ध का संगठन का सिस्टम है उससे क्यों नहीं सीखा, और जो बाबा साहब ने संविधान में संगठन बनाने का दिया उससे क्यों नहीं सीखा, और तुम कर क्या रहे हो, और तुम इस पैसे का हिसाब देते क्यों नहीं हो, और तुमने कोई अपनी कार्यकारिणी या नीति क्यों नहीं बनाई आज तक, और क्यों नहीं लोगों को बताई, और तुम इतने सालों से काम कर रहे हो तो अब तक तुम अचीवमेंट तुम्हें क्यों नहीं, तुम्हारे फेलियर क्या है तुम बताते क्यों नहीं, और तुम जो ये व्यक्तिवाद करते हो और फिर संगठन तोड़ते क्यों हो तुम लोग, जब तुम संगठन तोड़ते हो तो क्या सोच के तोड़ते हो, क्या विचारधारा उसके अंदर होती है, क्या अगर तुमने वो विचारधारा थी तो तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया, तुम अलग स्वयं शंभू नेता बन के चले आए, अरे तुम जो ऑर्गेनाइजर हो तुम काम क्या करते हो, तुम्हारा रोजी रोटी का साधन क्या है, तुम क्या परजीवी हो गए हो जो लोगों के पैसे के ऊपर अपना घर चलाओगे, ये सवाल कोई पूछता नहीं, क्योंकि ये सवाल पूछेगा तो अगली बार तो वो जो आधा बुद्धिजीवी है या घंटा है या जिनको वो दाएं बाएं सजा के रखता है उनको तो बायकॉट कर देगा, बुलाएगा नहीं जिंदगी में कभी भी, और चार लोगों से और कह देगा अपने जो संगठन वाले भाई हैं जो जैसे संगठन चला रहे हैं इसको मत बुलाना, ये बड़ा बदतमीज आदमी है, इसको बुलाते हैं ये तो हमारी कब्र खोदता है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाना पसंद करेगा। मेरा स्वभाव ऐसा ही है, जब मुझे कोई बुलाता है तो मैं बिल्कुल फेयर टेल बात करता हूँ, कई बार मुझे बुलाया मैंने मन से कहा तो मंच के जो पीछे लोग होते हैं आयोजक होते हैं वो कहते हैं जी नहीं नहीं ये नहीं है, ये एजेंडे में नहीं, आप ऐसे मत बोलो, मगर आगे वाले जो लोग हैं वो कहते नहीं हम सुनना चाहते हैं जी, उनकी मजबूरी हो जाती है, मुझे बोलना पड़ता है, वो सुनते हैं, वहाँ झगड़ा होता है हो जाए, मगर मैं बाबा साहब से भगवान बुद्ध से नमक हराम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं रहती। मगर जिनको इसकी परवाह रह जाती है वो क्या करते हैं, जब वो मंच पर भाषण बोलते हैं तो आगे तालियां फटती हैं, फिर वो आयोजक को देखते हैं, आयोजक कहता है बहुत बढ़िया, एक अंगूठा उठा के कहेगा बहुत बढ़िया थम्स अप, बहुत लाजवाब, उसके बाद वो वहां से ऐसे भाषण देके जब तालियां खूब पटवा लेता है तो ऐसे आता है झूमता हुआ, और जैसे क्या बोलते सांड आता है या हाथी आता है, और उसके बाद में सबसे हाथ मिलाएगा मंच पे और सबके हाथ को दबा दबा के देखेगा कि कौन कितनी शाबाशी दे रहा है, और सब बड़ा ठोक के शाबाशी देते हैं क्योंकि उनको भी शाबाशी चाहिए, अभी वो बोल के आएंगे तो वो भी ऐसे ही अंगूठा करेंगे और फिर वो भी हाथ मिलाएंगे, कहेंगे बहुत गजब का बोले लाजवाब। इस गजब के बोलने से, इस लाजवाब बोलने से क्रांति नहीं हो रही कहीं, 70 साल से सब गजब का बोल रहे हैं, सब लाजवाब बोल रहे हैं, मगर सब अलग अलग बोल रहे हैं, सब ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं, सब ऐसे पीठ थपथपा रहे हैं, मगर हो कुछ नहीं रहा कहीं भी, सब संगठन अलग है, जो बीच में बैठ के वो कुप्पा जो बीच में बैठा रहता है, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं पूरे का राइट वाले का भी मालिक हूँ और लेफ्ट वाले का भी मालिक हूँ, और जो उसका एजेंट बीच में जो संचालन करता रहता है वो सब पूछता रहता है बीच में, ठीक चला ना, कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, बहुत सफल रहा, देखो ये वक्त आए, उन्होंने ये कहा, और उसके बाद ठंड गोपाल दसियों हजार संगठन ये काम कर रहे हैं, और दिसंबर के महीने में तो बाढ़ आ जाती है, और कमाल की बात यह है कि कोई सोचने को तैयार नहीं है कि तुम बाबा साहब के नमक हराम हो या बाबा साहब के नमक हलाल हो, तुम कर क्या रहे हो, बाबा साहब ने कब कहा अलग अलग संगठन बना के इन बुद्धिजीवियों को बुला के तुम इनका जुलूस निकालना, इनसे पूछना, अरे इन बुद्धिजीवियों को एक मंच पे एक साथ क्यों नहीं बुलाते हो, तुम एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते हो, तुम अलग अलग अपना नाम चमकाने के लिए, जो आयोजक होगा उसका तो फोटो बहुत बड़ा होगा, नाम बहुत बड़ा होगा, और जो वो बुद्धिजीवियों को अपने सहारे बुलाता है लोगों को दिखाने के लिए, उनके छोटे छोटे होते हैं, अगली बार वो बहुत बदल जाते हैं, तो तुम खेल क्या कर रहे हो, ये चल क्या रहा है, इन बुद्धिजीवियों से अगर तुम्हें इतना ही लगाव है तो तुम इनका एक सबका सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों नहीं बना देते, तुम अपना एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों नहीं बना लेते, तुमको अगर लगता है कि ये बुद्धिजीवी बड़े काम के हैं तो इनसे लगातार परमानेंट काम लो ना, इनका एक दिन भाषण करा दिया फिर अगले साल नंबर आएगा। अभी जनवरी में
अभी दिसंबर में बुकिंग होगी ना, तो अगले साल दिसंबर में फिर शॉर्टेज होगी। दिसंबर में इसको बुक कर लो, इसको बुक कर लो, इसको बुक कर लो। हाँ जी, आप खाली हो दिसंबर को, आपका एक कार्यक्रम रखा है। हाँ जी, आप खाली हो, आपका एक फोन दुनिया भर में घुमाते हो। इससे कौन सी क्रांति होने वाली है? तुम बाबा साहब की नमक हरामी, तुम भगवान बुद्ध की नमक हरामी, तुम सम्राट अशोक की नमक हरामी, तुम ज्योतिबा फुले की नमक हरामी करना कब बंद करोगे? कब उनके नमक हलाल बनोगे? अपने आप को देखो जरा, सोचो जरा, क्या हालत हो गई है? जो बाबा साहब लेके आए थे, जो ज्योतिबा फुले लेके आए थे, जो भगवान बुद्ध लेके आए थे, जो सम्राट अशोक पूरा बृहद भारत लेके आए थे, खंड खंड टुकड़े टुकड़े, जो संविधान में जो सुविधा थी खंड खंड टुकड़े टुकड़े, तुम कर क्या रहे हो? सिर्फ बीच में बने हुए हो। बाबा साहब के नमक हलाल हो या बाबा साहब के नमक हराम हो, सोचो जरा। इसलिए मैंने उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि बुरा लग जाएगा उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर मैं एक तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जवाब देता हूं, तो वो समझ में आता है और सभी लोग इसको मानते हैं और जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि सिचुएशन है क्या। बेसिकली मुझे खुश किसको करना है? आयोजक को खुश करना है या बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी विचार है उसको खुश करना है? अगर तुम बाबा साहब के अनुयायी हो, बाबा साहब के तुम नमक हलाल हो, तो इकट्ठे क्यों नहीं होते? और अगर तुम नमक हराम हो, तो तुम्हारी मंच पर जाकर तुम्हारी तारीफ करके मैं इस पाप में भागी बनूंगा क्यों? इससे बढ़िया मैं इंडिविजुअल अपनी बात कहूंगा, वो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.